दोस्तों, इस वीडियो में हमने डीडी फ्रीडिश के MPEG-4 सेट टॉप बॉक्स को लेकर ट्यूटोरियल तैयार किया है। और इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि मान लीजिए आपने डीडी फ्रीडिश को देखने के लिए कोई नया MPEG-4 का सेट टॉप बॉक्स लगवा लिया है, और खासकर वह अनऑथराइज्ड सेट टॉप बॉक्स है। अनऑथराइज्ड का मतलब जैसे कि आपका सोलिड कंपनी का हो, पगारिया का हो, या किसी दूसरी कंपनी का हो, और आपके पास वो लगा हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें कोई नई ट्रांसपोंडर फ्रिक्वेंसी को कैसे ऐड किया जाता है डीडी फ्रीडिश को देखने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी ट्रांसपोंडर फ्रिक्वेंसी को डिलीट कैसे कर सकते हैं, या फिर कोई भी जो हमने नया ट्रांसपोंडर ऐड किया है उसके चैनल को स्कैन कैसे करते हैं, तो उसकी पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बारीकी से समझाने की पूरी कोशिश की है कि आप किस तरीके से किसी भी ट्रांसपोंडर को आसानी से कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके चैनल को स्कैन कर सकते हैं, या फिर किसी भी ट्रांसपोंडर को जब मर्जी आप डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आप पूरा बने रहिए। बाकी अगर आपके पास डीडी फ्रीडिश का IKS मॉडल का बॉक्स है तो उसमें भी आप कुछ इसी तरीके के स्टेप्स को फॉलो करके देख सकते हैं, लेकिन यहां पर मैंने खासकर अनऑथराइज्ड सेट टॉप बॉक्स को लेकर ही बात की है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सीधा आपको मैं टीवी स्क्रीन की ओर लेकर आ चुका हूं, और आपको मैं दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने डीडी फ्रीडिश के MPEG-4 सेट टॉप बॉक्स में नए ट्रांसपोंडर फ्रीक्वेंसी को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जी हाँ, आपके पास भी अगर सोलिड का 6363 मॉडल का सेट टॉप बॉक्स है जो कि MPEG-4 का रहता है, तो उसमें भी कुछ इसी तरह की सेटिंग्स रहती हैं। और अगर आपके पास किसी और कंपनी का MPEG-4 का बॉक्स लगा हुआ है डीडी फ्रीडिश को देखने के लिए, तो भी कुछ इसी तरह की सेटिंग्स रहती है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप आसानी से कोई भी ट्रांसपोंडर को ऐड भी कर सकेंगे और उसे डिलीट भी कर सकेंगे। अब सिंपली रिमोट से आपको क्या करना है, मेन्यू बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप मेन्यू बटन प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, या फिर कुछ अलग तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, वहां पर आना है एंटीना सेटिंग पर। इंस्टॉलेशन में आने के बाद सीधा आपको सबसे पहला ऑप्शन नजर आएगा, वो है एंटीना सेटिंग। इस पर रिमोट से ओके प्रेस कर दीजिए। जैसे आप रिमोट से ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स आ जाती है कि आप कौन सी फ्रिक्वेंसी यूज कर रहे हैं, डिस्क यूसी स्विच कौन सा यूज कर रहे हैं, LNB फ्रिक्वेंसी क्या रह रही है, बाकी ट्रांसपोर्टर कौन सा है, और उसमें कितने परसेंट सिग्नल स्ट्रेंथ और क्वालिटी आ रही है। और यहां पर जो है आप उसे स्कैन भी यहीं से कर सकते हैं, तो आपको मालूम होगा। लेकिन अगर किसी ट्रांसपोर्टर को ऐड करना होता है, डिलीट करना होता है, तो उसके लिए क्या करना है, तो चलिए समझ लेते हैं। यहां पर नीचे आपको दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, एक है सैटेलाइट लिस्ट और दूसरा है TP लिस्ट। अभी यहां पर आपको क्या करना है, रिमोट से ग्रीन बटन प्रेस करना है। TP लिस्ट का मतलब होता है ट्रांसपोर्टर लिस्ट। रिमोट से ग्रीन बटन प्रेस कर दीजिए। रिमोट से ग्रीन बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहां पर सभी के सभी फ्रीक्वेंसीज आपके सामने हाजिर हो जाएगी जो भी डीडी फ्रीडिश में अवेलेबल है। अब यहां पर आपको क्या करना है, उस फ्रीक्वेंसी को यहां पर ऐड करना है जो आप ऐड करना चाहते हैं अपनी इच्छा से। मान लीजिए डिश टीवी की ओर से कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो कि फ्री टू एयर चल रहे हैं, या फिर आपकी गलती से कोई ट्रांसपोंडर डिलीट हो गया और उसे वापस ऐड करना चाहते हैं, तो किस तरीके से कर पाएंगे, तो चलिए वो देख लेते हैं। अब यहां पर जो है किसी एक फ्रीक्वेंसी को मैं डिलीट करके दिखाऊंगा और उसको वापस से ऐड करके आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो देख लीजिए डीडी फ्रीडिश की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो है 11090 वर्टिकल 29500। अब इसे अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली उस फ्रीक्वेंसी पर आ जाइए। देखिए मैं उसी फ्रीक्वेंसी पर आ गया, और यहां पर रेड बटन नजर आ रहा है नीचे आपको, कि रेड बटन प्रेस कीजिए तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो रिमोट से जो है रेड बटन प्रेस कर दीजिए, और आपसे पूछ रहा है कि क्या वाकई में इस फ्रीक्वेंसी को डिलीट करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको कैंसिल का ऑप्शन नजर आएगा या फिर ओके का, तो सिंपली आप रिमोट से ओके प्रेस कर दीजिए। अब देखिए वो जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरी सेट ऑफ बॉक्स से डिलीट हो गई है, और उस फ्रीक्वेंसी में जो भी चैनल्स थे वो भी मेरे सेट ऑफ बॉक्स से गायब हो चुके हैं। अब यहां पर कई ऑप्शन नीचे नजर आ रहे हैं, डिलीट के साथ आपको ऑप्शन नजर आ रहा है एड का, ADD, और उसके लिए आपको रिमोट से ग्रीन बटन प्रेस करने को कहा जा रहा है। तो आप समझ ही चुके हैं कि किस तरीके से आपको कोई भी फ्रीक्वेंसी को डिलीट करना है। जैसे कि आपको मैंने अभी दिखाया कि मैंने कैसे एक फ्रीक्वेंसी को डिलीट किया, अब आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप एक फ्रीक्वेंसी को ऐड कर सकते हैं, या फिर उसी फ्रीक्वेंसी को वापस से ऐड कर सकते हैं जो आपकी गलती से डिलीट हो गई, या फिर किसी भी फ्रीक्वेंसी को आसानी से ऐड कर सकते हैं। रिमोट से ग्रीन बटन प्रेस कर दीजिए। ग्रीन बटन जैसे रिमोट से प्रेस करेंगे तो यहां पर जो है वो पूरी डिटेल्स मांग रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, उसकी जो पोलैरिटी है वो क्या रहती है, सिंबल रेट क्या रहता है। तो यहां पर जो है आपको उसी तरीके से डिटेल्स को फिल करना है। तो यहां पर सिंपली फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐड कर दीजिए। जैसे कि आपको मालूम है मैंने बताया है कि मैंने जो फ्रीक्वेंसी है वो 11090 वाली हटाई है, डिलीट करी है। तो यहां पर जो है नंबरिंग की पैड्स आपको रिमोट में मिलेंगे, तो उसी से आपको टाइप करना होगा। तो यहां पर टाइप कर दीजिए
090। देखिए मैंने नंबर कीपैड से वही फ्रीक्वेंसी जो है वो डाल दी है। प्रायोरिटी जो थी वो उसकी वर्टिकल थी, तो यहां पर मैं एच की जगह वी कर दूंगा, राइट एरो से वी कर दीजिए। और सिंबल रेट आपको मिलेगा देखने के लिए, तो यहां पर सिंबल रेट वही ऐड करना होगा जो उस फ्रीक्वेंसी का है, तो वो रहेगा 29500। बस इतना सा काम है। और सिंपली नीचे वो आपको कह रहा है प्रेस ओके कर दीजिए, और यहां पर सिंपली रिमोट से ओके बटन प्रेस कर दीजिए। देखिए वो फ्रीक्वेंसी वापस से मेरे सेट टॉप बॉक्स में ऐड हो चुकी है। अब आप जैसे ही इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, तो मान लीजिए इसके आप चैनल्स देखना चाहते हैं, तो रिमोट से आपको नीचे नजर आ रहा है सर्च का ब्लू बटन प्रेस कर दीजिए। देखिए ब्लू बटन मैंने प्रेस कर दिया। अब वो कह रहा है कि इसके आप टीवी रेडियो के या फिर एफटी ओनली के चैनल देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, तो पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। अब सिंपली इसको मैं यहाँ पर टीवी पे कर देता हूँ, नीचे आपको सर्च ऑप्शन नजर आएगा, उस पर रिमोट से ओके प्रेस कर दीजिए। तो इस फ्रीक्वेंसी के जो भी चैनल्स रहेंगे वो मेरे सेट टॉप बॉक्स में स्कैन हो जाएंगे। देखिए जो इस फ्रीक्वेंसी में चैनल्स थे वो मेरे लिए स्कैन हो गए। अब यहाँ पर वो सिंपली कह रहा है कि इसको आप सेव करना चाहते हैं नहीं, तो इस रिमोट से अगर आप सेव करना चाहते हैं तो ओके प्रेस कर दीजिए। वो चैनल जो मेरे गैप हो गए थे वो वापस से मेरे स्टोर हो गए। तो इतना आसान सा तरीका है समझने का, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे। बाकी आपके मन में भी कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं।